গত বছরও করোনার জন্য বন্ধ ছিল স্কুল এবং এবছরও কিন্তু করোনার জেরে স্কুল খোলেনি এবং কার্যত সমস্ত স্কুলই বন্ধ এবং বেসরকারি স্কুলগুলি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিও বন্ধ কিন্তু তারপরেও স্কুল ফি কমানোর কথা বারবার বললেও সেই স্কুল ফি কমানো হয়নি বলেই কিন্তু অভিযোগ অভিভাবকদের এবং তারপরেই সেই অভিভাবকেরা ইতিমধ্যে কিন্তু শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোডে যে রয়েছে হায়দারপাড়া যে মেন রোড ইসকন মন্দির রোড সেখানে কিন্তু তারা পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন এবং এখানে একটি স্থানীয় স্কুলের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ এবং সেই অভিযোগ ঘিরেই তারা কিন্তু এখানে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন। তাদের যেটা বক্তব্য যে করোনার জেরে স্কুল বন্ধ কিন্তু তারপরেও স্কুলের যাবতীয় ফি তাদেরকে দিতে হচ্ছে এবং সে কারণেই তারা ফি কমানোর কথা বলেছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য বলেছিলেন কিন্তু এখনও অবধি কেউই আলোচনায় বসেননি এবং যে কারণেই বাধ্য হয়ে যে সমস্ত অভিভাবকেরা রয়েছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির যে ইসকন মন্দির রোড রয়েছে সেই ইসকন মন্দির রোডে পথ অবরোধ করেছেন অভিভাবকেরা এবং তাদের যে দাবি দাওয়া যে স্কুল ফি অবিলম্বে কমাতে হবে এবং তারা কোনোভাবেই তাদের যেটা অভিযোগ যে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসছে না এবং কোনোভাবেই স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছে না। नमस्कार। हाँ, क्या नाम है आपका? संग्राम तादा और हम लोग गार्जियन फोरम हिमालयन इंग्लिश स्कूल गार्जियन फोरम से हैं। हम लोग गए थे अंदर तो हम लोग का मांग है कि जो लॉकडाउन में अभी सबका किसी का जॉब नहीं है क्या नहीं है तो स्कूल का तरफ से भी हम लोग को बोला गया कि जो मैं भी एज एक मैं भी इसी स्कूल का एक विद्यार्थी रहा था। अभी हम लोग जो गार्जियन हैं तो गार्जियन का तरफ से हम लोग बोले कि एक बार ठीक है सर हम लोग मैनेजमेंट से तो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट नहीं बैठेगा और इन स्कूल का तरफ से हम लोग ने इससे पहले भी 24/6/2020 को गार्जियन का तरफ से हम लोग ने लेटर दिया था 2020 में 2020 में लॉकडाउन में। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये करके इधर होके 21 तारीख को फिर से हम लोग का प्रतिनिधि में दादा लोग आके हम लोग आके वो ये दिए थे तो रिसीव कॉपी ये है देखिए और ये 2006। अभी आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड ये है कि जो स्कूल से बोला गया था कि हम लोग का फी है वो जो अभी 400 रुपये बढ़ाया है वो लेस कर दिया जाए जो पहले का था एक साल पहले जो 2020 में जो 1100 करके ले रहा था वो दिया जाए तो अभी वही लिया जाए और स्कूल वाला मैनेजमेंट नहीं मान रहा है वो लोग स्मार्ट क्लास ऑनलाइन क्लास जो फीस सब है मेंटेनेंस ये सब चार्ज कर रहा है लेकिन जबकि ये हाईकोर्ट में केस चल रहा है और हाईकोर्ट से भी यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग देखिए 9 दिसंबर 2020 को जो ये हाईकोर्ट का ये है वो ये आया था तो इसमें भी बोला गया है कि अरे ये सब लफड़ा वफड़ा बोलने वोलने का छोड़िए। सबसे बड़ा लफड़ा है सब स्कूल में हमारे आसपास के चारों तरफ हम लोग स्कूलों में गए हर जगह ये लॉकडाउन के बाजार में सभी पेरेंट्स लोग को थोड़ा सा छूट दिया गया उसके बावजूद यहाँ पे छूट के मुताबिक क्या किया एक्स्ट्रा चार्जेज में हर चीज़ में 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा के टोटल 400 रुपये का एक्स्ट्रा दिखाया गया बड़ा फीस में बढ़ाया हुआ। अभी आकर के जब हम लोग कंसेशन के लिए इतना भागदौड़ कर रहे हैं तो एक एक कॉपी जो 20 रुपये का मिलता है वो सब कॉपी यहाँ पे एक कॉपी 300 रुपये का मिलता है उस तरीके का यहाँ पे झमेला लगाते हुए उसको बोलने के लिए आया गया। यहाँ आकर के देखता है आप लोग जो करना करो 300 रुपये आप लोग को कम करना है लेना है लो नहीं लेना है अपने बच्चा को निकाल दो इनका स्टेटमेंट ये है तो हम लोग को मजबूरन अपना बच्चा को निकालने का होगा तो इस टाइम का 1 बरस पूरा बर्बाद हो रहा है बच्चे का है कि नहीं। तो इस वजह से अगर इन्होंने ऐसा करेगा तो आत्मसमर्पण हम लोग को करने का या लफड़ा लगाएगा लफड़ा करेगा और
तो क्या बच्चा का लाइफ बर्बाद हो रहा है इस तरीके से इन लोगों की वजह से। मंथली जो फीस है वो क्या है? मतलब मंथली फीस वगैरह में कोई लूज नहीं हुआ है, जैसे अभी का बाजार में स्पोर्ट्स भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब बच्चा लोग यहाँ पढ़ ही नहीं रहा है स्पोर्ट्स का क्यों देगा, जब बच्चा लोग इधर पे आ ही नहीं रहा तो उसको स्पोर्ट्स का क्यों देगा, ये सब कितना बात होने की वजह से हम लोगों ने आराम से इन लोगों के साथ सलाह मशवरा करने आया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया उस चीज़ का विपरीत रूप निकाल के एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हुए 400 रुपये का बढ़त कर दिया। वो 400 रुपये जो बढ़ाया उसमें से इन्होंने 300 रुपये कम किया, क्या चीज़, लाइट का बिल का थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज, स्पोर्ट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज, इन सब तरीकों को दिखाया गया। तो अभी टोटल कितना मंथली बिलिंग कितना है? मंथली बिलिंग हो भाई आओ टोटल बिलिंग तो कैसा है ले क्लास 6 या 7 में का तो 300 रुपये तुम का तो क्लास होता है मेरा क्लास 4 में का करना कभी कई 400 रुपये करने को मरा 400 रुपये जो बढ़ाया गया बता रहा है हम लोग बोल रहे हैं वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में स्पोर्ट्स बिल बस का भाड़ा ये सब चीज़ों को एक्सटेंशन किया गया बढ़ाया गया। क्या नाम विरोध के लिए हम लोगों ने करने हैं? क्या नाम है आपका? संजय, संजय खाती। এই মুহূর্তে কিন্তু শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোডে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন বেসরকারি একটি স্কুলের যারা পড়ুয়ারা রয়েছেন সেই পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা, এবং তাদের যেটা বক্তব্য যে বিভিন্ন খাতে স্কুলের ফি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ স্কুল বন্ধ রয়েছে এবং সেই ফি বাড়ানোর তারা বিরোধিতা করে আজকে যখন স্কুলে এসেছিলেন যখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং কোনোভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ ফি কমাবে না বলেই কিন্তু জানিয়ে দেয়, এবং তারপরেই অভিভাবকেরা ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোডে তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। মুহূর্তে কিন্তু শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোডে যে সমস্ত গাড়ি চলাচল রয়েছে সেই সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং এখানে এটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বেসরকারি, তাদের সেখানকার যারা পড়ুয়ারা রয়েছেন সেই পড়ুয়ারদের অভিভাবকেরা কিন্তু এখানে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন। তাদের যেটা বক্তব্য যে করোনার জেরে স্কুল বন্ধ কিন্তু বিভিন্ন খাতে এমন কিছু খাত রয়েছে যেমন ইলেকট্রিসিটি বিল, বাস ফি, সেগুলি কমানো হয়নি। অসুবিধা গার্জেনদের হচ্ছে এই সময় লকডাউনের সময়, তো ওদের ওনারা ফিস করেছে দাদা, মানে বেশি ফিস করেছে, লেট ফাইন করেছে, আর স্কুল যখন বন্ধ তাহলে ইলেকট্রিসিটি বিল আমরা কেন দেবো, স্মার্ট ক্লাসের বিল আমরা কেন দেবো, আর একটা করেছে কি মানে রুম রেন্টের যে ওটা 5,000 টাকা চেয়েছে, অ্যাডমিশন ফিস অনেক বেশি, আমরা ওনাদেরকে অনেক দিন ধরে অনেকবার এসেছি ওদেরকে ওনাদেরকে বলছি যে এরকম আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু ¡Vamos!
मनमानी नहीं चलेगा। अरे प्राइमरी स्कूल का मनमानी नहीं चलेगा, प्राइमरी स्कूल का मनमानी नहीं चलेगा, अरे स्कूल का मनमानी नहीं चलेगा। अरे हर कट का वार्डन मन न बनेगा। শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোডে এই মুহূর্তে কিন্তু পথ অবরোধ করেছেন একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অভিভাবকেরা, এবং তাদের যেটা বক্তব্য যে করোনার জেরে স্কুল বন্ধ, কিন্তু বিভিন্ন খাতে স্কুলের ফিস, সেই স্কুল ফিস কিন্তু কমানো হচ্ছে না, এবং যে কারণেই সেই দাবি দেওয়া নিয়ে তারা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে স্কুল ফিস কোনোভাবেই কমানো হবে না। এবং তারপরেই কিন্তু বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন যে সমস্ত পড়ুয়ারা রয়েছেন, সেই পড়ুয়াদের যারা অভিভাবকেরা রয়েছেন তারা, এবং তারা কিন্তু ইসকন মন্দির রোডে এই মুহূর্তে পথ অবরোধ করছেন, এবং সেই পথ অবরোধের জেরে প্রচুর গাড়ি, সেই সমস্ত গাড়ি কিন্তু আটকে গিয়েছে। कितना पर है? जितना है वो पहले 1100 था, अभी 1500 कर दिया, उसमें उन्होंने 300 माइनस कर दिया है। बात बाकी तो सब वाटर वगैरह चार्ज इलेक्ट्रिसिटी सब तो ले रहे हैं ना। आप लोग कुछ दिन पहले जो बात किए थे, आप लोग को फिर आने के लिए बोला गया था? हाँ जी बोला गया। आज उन लोगों ने क्या बोल रहे हैं, बात किया आप लोग से? वही बात किया, बोल रहे हैं कि बस 300 होगा, उससे ज्यादा नहीं कुछ होगा, इसलिए हम रोड पे आ गए हैं बस कि अब कुछ हो। अभी अभी क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि बस वो ट्यूशन फीस ले जो 1100 करके ले रहे थे, बस उतना ही ले। क्या क्या चार्जेस लगाया है? इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट क्लास। দাবি যে ম্যানেজমেন্টের সাথে যারা মিটিং করবে, সেটা ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ কোনো মতে ওনাদের সাথে বসতে রাজি নয়। সেই নিয়ে সেই অভিযোগে साइड नहीं है, इधर साइड नहीं है भैया। भैया आपके पास पैसा होगा, आप लोग आनंद जाना है, जाइए आपको नहीं बोला है, दूसरा आदमी को बोला। स्कूल का मनमानी नहीं चलेगा, प्राइमरी 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 स्कूल का मनमानी नहीं चलेगा। জিজ্ঞাস করুন, ভিডিও কল জিজ্ঞাসা করুন।
মুহূর্তে শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোডে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন যে সমস্ত অভিভাবকেরা রয়েছে, সেই সমস্ত অভিভাবকেরা তারা কিন্তু তাদের যেটা অভিযোগ যে বিভিন্নভাবে তাদের যে বিভিন্ন খাতে তাদের যে বেতন সেই ফি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যখন এই ফি কমানোর দাবিতে সরব হয়েছিলেন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা আলোচনার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু কোনোভাবেই স্কুল ফি কমানো হবে না বলেই কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ, এমনটাই অভিযোগ অভিভাবকদের, এবং তারপরেই তারা কিন্তু এখানে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। আন্দোলন আজকেও মধ্যে সেই ছবিটা তুলে দিচ্ছি, গার্জেনরা কিন্তু আন্দোলনের মধ্যে।